सावेर विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस से रीना बोरासी सेठिया को प्रत्याशी के रूप में यहां पर नाम तय होने के बाद में रीना बोरासी आज यहां पर सावेर विधानसभा क्षेत्र के श्री गणेश मंदिर में पहुंची, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद में पैदल यात्रा करते हुए उल्टे हनुमान मंदिर पर पहुंचकर पूजा अर्चना करी। इसके बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए रीना बोरासी ने चर्चा करते हुए यहाँ पर अपनी जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सावेर के चहुंमुखी विकास का मेरे द्वारा ही किया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को यहाँ पर मतदान होना है, इसको लेकर जो नतीजे आएंगे वह 3 दिसंबर को घोषित भी हो जाएंगे। वहीं पर सावेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे तुलसी सिलावट भी रीना बोरासी के सामने मुकाबला करेंगे। अब देखना होगा कि यह मुकाबला आखिरकार कौन जीतता है। मैं सावेर की सेवा के लिए ही कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ उतारा है और पिछले 3-3.5 साल से मैं लगातार सावेर की जनता की सेवा कर रही हूँ। और मेरा सपना है कि सबका आशीर्वाद मुझ पर है, तो निश्चित रूप से आगे के 5 सालों में भी मैं इसी तरह सेवा करती रहूँगी और सावेर को एक विकसित सावेर के रूप में मैं बनाऊँगी। क्या क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? प्राथमिकता जो समस्याएं मैंने देखी, रोड, पानी, बेरोजगारी और किसान भाइयों की परेशानियाँ जो लगातार मैं उठाती आई हूँ, कभी सोयाबीन के लिए, कभी गेहूँ के लिए, क्योंकि उनको उचित मूल्य नहीं मिलता है। मैंने अभी 3 महीने पहले भी जब इंदौर की भी लक्ष्मीबाई मंडी में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, वहाँ मुझे जब पता चला कि सावेर के इतने सारे मेरे किसान भाई परेशान हो रहे, तब एक फ़ोन आया मुझे, तब मैं वहाँ पहुँच गई और मैंने बोला कि इन लोगों को उचित दाम नहीं मिल पाया, तब भी वहाँ मैंने बड़ा आंदोलन किया था। तो ये लड़ाइयाँ मेरी, जब तक हम इनकी समस्याएं ख़त्म नहीं करते, तो मेरी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। कितने वोटों से आप यहाँ पर जीते? निश्चित रूप से 50,000 वोट से ज़्यादा ही जीतेंगे। यहाँ पर कुछ कांग्रेस भी, उनको कैसे मनाएंगे आप? सब हमारा एक परिवार है, कांग्रेस एक परिवार है, जो हमारे रूठे उनको हम मनाएंगे, और वो भी क्योंकि वो एक कट्टर कांग्रेसी है, कोई इधर उधर नहीं होगा, और एक झंडे के नीचे पंजे के निशान को हम उम्मीदवार मान के सब एक होके हम हमारे सावेर चुनाव विधानसभा को निकालेंगे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।